मुंबई सुपरस्टार एक्ट्रेस अंजना सिंह का अभी अभी एक बहुत बड़ा बयान आया है पवन सिंह और अक्षरा सिंह के झगड़े को लेकर। जी हाँ, यहाँ अंजना सिंह ने दो टूक साफ लफ्जों में कहा है, हर जगह दबंगई होती है, हर जगह बाहुबलीगिरी होती है, हर जगह जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री को हर जगह बदनाम किया जा रहा है, उससे भी पहले बॉलीवुड में और भी जगह कई ऐसी स्थितियाँ बनती हैं जब स्टार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री जो कुछ सीख रही है वो बॉलीवुड से ही सीख रही है। अंजना ने यहाँ मेंशन किया कि जिस तरह से अक्षरा मीडिया को बुलाकर ये सारी बातें कह रही हैं, उससे बेटर है कि वो और पवन सिंह एक टेबल पे बैठकर अपने विवादों को सुलझा लें। अंजना ने यहाँ जाते जाते ये भी कहा कि जब प्यार हुआ, जब इकरार हुआ, तब तो मीडिया को बुलाकर बाइट नहीं दी, लेकिन आज जब झगड़ा हुआ तो मीडिया को बुलाकर बाइट दी जा रही है। अंजना यहाँ भी मेंशन करती नजर आई कि पवन सिंह को अक्षरा के किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फर्क पड़ता तो जरूर पवन सिंह आकर इस विवाद पर कुछ न कुछ बोलते। इनसे और भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने पर अंजना ने कहा कि ये उनकी पर्सनल लाइफ है, पवन अक्षरा की पर्सनल लाइफ है, उस पर वो कुछ कमेंट नहीं करना चाहती हैं। उनका एक्सपीरियंस पवन सिंह के साथ काम करने के मामले में अच्छा था। वो कह रही हैं कि जब वो इंडस्ट्री में आई थी तो पवन सिंह के साथ उन्होंने दूसरी फिल्म ही की थी और उस दूसरी फिल्म में पवन सिंह अपने कुछ पारिवारिक मसले को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब चलते थे, जिसके चलते वो सेट पर आते, काम करते और चले जाते। हमारी कभी इस तरह से बात नहीं हुई और हम कभी एक दूसरे को लेकर इतने भी ज़्यादा क्लोज नहीं थे कि हम एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करें। यहाँ अंजना भी मानती हैं कि अक्षरा और पवन को अपने आपसी विवाद को एक जगह बैठ के सुलझाना चाहिए, न कि इस तरह से अपने रिश्तों की छीहा लेदर करनी चाहिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।